तब जब आप उसको छोड़ोगे, यहाँ से जब छोड़ोगे तो क्या उतना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा? क्या लगता है? अच्छा, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोगों को? ये तो नहीं लग रहा है कि मैं पैंट और शर्ट क्यों पढ़ाने लग गया? इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारी पैथोलॉजीज हैं जो हम लोगों की खोज की बात नहीं है। ये सब फ्रैंक स्टार्लिंग्स और एक एक साइंटिस्ट लैपलेसिस दो लोगों ने मिलकर ये सारा कुछ खेल बताया, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई कि स्ट्रेचिबिलिटी तो डिपेंड करता है फोर्स पे, लेकिन एक्सेस स्ट्रेचिबिलिटी फोर्स को वीक कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ ईडीवी ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन अगर एक्सेस ईडीवी होगा, एक्स्ट्रा एक्सेस ईडीवी होगा, तो जब आप इसको यहां से छोड़ोगे तो ये उतने फास्ट रिकॉइलिंग नहीं करेंगे जितने फास्ट पहले रिकॉइल करते थे। तो अगर एक्सेस ईडीवी होगा तो फास्ट रिकॉइलिंग फैक्टर धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो भी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाएगा और कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा और कार्डिक फेल्यूर कहा जाएगा इसको। इसकी दो चीजें इन्होंने बताई। एक तो आप यहां पर देखोगे प्रेशर, एक बात है यहाँ प्रेशर की और एक बात है वॉल्यूम की, दो बातें हैं यहाँ। एक तो वॉल्यूम जो ब्लड का वॉल्यूम है, और एक है प्रेशर जो कार्डियोसाइट्स का प्रेशर है ब्लड के ऊपर, और ब्लड का वॉल्यूम है कार्डियोसाइट को स्ट्रेच करने के लिए। दो बातें हैं। कार्डियोसाइट में कुछ चेंजेस आते हैं जिनके कारण ये सब होता है, ये चेंजेस क्या हैं उस पे बात करते हैं। ये माना जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऑर्टा और ये एट्रियम, एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कार्डियोसाइट्स के। अब पहले तो फिजियोलॉजी आप जानते हैं कि यहां से लंग से ब्लड आता है यहाँ वेंट्रिकल में, तो अगर सही क्वांटिटी में जितना आना चाहिए 120 ml ले लेते हैं, 120 ml ब्लड अगर यहाँ एट्रियम से यहाँ आए वेंट्रिकल में, तो इसमें से लगभग 70 से 80 ml निकल जाता है स्टोक वॉल्यूम। बाकी हम लोग जानते हैं कि 100% पूरा नहीं निकलता है, थोड़ा सा यहाँ कुछ ना कुछ रह जाया करता है ब्लड। अब अगर बहुत बार कुछ वॉल्वुलर डिजीजेस हैं, एग्जाम्पल जैसे यहां कौन सी वॉल्व होती है, मिट्रल, यहां मिट्रल वॉल्व, यहां ऑर्टिक वॉल्व, यहां मिट्रल वॉल्व, यहां ऑर्टिक वॉल्व। आप जानते हैं कि जब कार्डियक साइकिल चल रहा होता है तो ये दोनों वॉल्व आपस में एक के बाद एक खुलते हैं, एक बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। अब मैं थोड़ा वॉल्व और बड़ा करके बताता हूँ कि आप सुनते होंगे बहुत सारे लोगों को कि इनके दिल में इनका वॉल्व खराब हो गया है, ऐसा सुना है कभी? वॉल्वुलर हार्ट डिजीज जिसको कहा जाता है, VHD। तो ये वॉल्व खराब क्या होते हैं, मैंने ये जैसे एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये पोर्शन जो है ये डिवाइडर है। आप जानते हैं कि एट्रियम के ओपन होने का क्लोज होने का टाइम अलग होता है, वेंट्रिकल के ओपन और क्लोज होने का टाइम अलग होता है, और जरूरी भी है क्योंकि जब यहाँ ब्लड भरता है तो ये पहले पूरा अपने अंदर भर लेता है फिर इसको फुल करता है, और जब इसको दूसरे रास्ते से
ब्लड बाहर भेजना होता है तो जरूरी है कि ये वाला रास्ता बंद हो जाए। अगर ये बंद नहीं होगा तो जब यहाँ से ये पंप करेगा तो इधर तो ब्लड जाएगा ही जाएगा, और अगर ये वाला रास्ता बंद नहीं किया गया तो जब ये पंप कर रहा होगा तो ये ब्लड वापस भी निकलना शुरू कर देगा। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? अगर अगर इसको क्लोज नहीं किया जाएगा तो सिर्फ ऑर्टा में ब्लड जाए जरूरी नहीं है, ये वापस होकर एट्रियम में जाना शुरू कर देगा। होता भी है ऐसे बहुत सारे लोगों को जो इनका दरवाजा है, ये ऑर्टिक वॉल्व है, ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल टाइम में, जो कि हो जाना चाहिए। सॉरी मिट्रल वॉल्व, ये मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, ओपन रह जाता है, हाफ ओपन, वन फोर्थ, या डिपेंड करता है कितना ज़्यादा ओपन रह गया, उतना ज़्यादा क्रॉनिक, उतना ज़्यादा सिवियरिटी होगी, लेकिन ये ओपन रह जाता है। तो जिस समय में जो 0.3 सेकेंड का टाइम होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं कि ब्लड यहाँ से बॉडी में चला जाए, जैसे 70 ml ब्लड ये सिस्टोल करते हैं कि ये 70 ml बॉडी में चला जाए, तो होगा क्या कि अगर ये ओपन क्लोज नहीं होंगे, ये बंद नहीं होंगे, तो इस 70 ml में से बहुत सारा ब्लड वापस आ जाया करेगा फिर से एट्रियम में, क्योंकि ये तो प्रेशर लगा ही रहे हैं, जिधर जिधर ब्लड जा पाएगा उधर चला जाएगा। जरूरी क्या है कि जब सिस्टोल चले, 0.3 सेकंड की टाइमिंग चले, तब ये क्लोज हो जाए और ये वाला ओपन रहे। तो जब ये क्लोज हो जाता है तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है, ब्लड पूरा इधर जाता है। बहुत सारे लोगों में ये वॉल्वुलर जो ये जो वॉल्व्स हैं ये ओपन रह जाते हैं और ब्लड बैकवर्ड जाना शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि जैसे एक पंप हुआ तो ब्लड का कुछ पार्ट यहां जाकर इकट्ठा हो गया, लेकिन जब ये पंप हो रहा होता है तो ये डायलेट होता है, इधर से भी ब्लड आ रहा होता है, तो इधर का भी ब्लड यहां इकट्ठा हो गया, बाहर से भी ब्लड यहां इकट्ठा हो गया। तो नॉर्मल जितना इसमें स्पेस होता है, जितना इसके पास वॉल्यूम होना चाहिए एट्रियम के पास, वो ब्लड तो ऊपर से आता है लंग से, लेकिन एक्स्ट्रा ब्लड इधर से भी डाल दिया गया, तो ये क्या हुआ, एट्रियल ओवरलोड हो गया, एट्रियम के पास वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है। समझ में आ रही बात? एट्रियल ओवरलोड हो गया। अब एट्रियल ओवरलोड हुआ, अब होगा क्या कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम 0.3 सेकंड खत्म हो जाएगा तो 0.5 सेकंड वाला टाइम शुरू होगा एट्रियल डायस्टोल। अब जब 0.5 सेकंड वाला टाइम शुरू होगा, 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड में, क्योंकि ये डायलेट कर जाएगा, इसे प्रेशर तो फिर जनरेट करेगा नहीं, और जब ये डायलेट होगा तो यहां से फिर से पूरा ब्लड भरना शुरू हो जाएगा नीचे, और इस बार जब ब्लड आएगा तो जो यहां से ब्लड पूरा फिल हुआ है नॉर्मल, जिसको आना चाहिए वो पूरा आएगा। दूसरा जो रिगर्जिटेट, इसको कहा जाता है रिगर्जिटेशन होना, रिगर्ज मतलब उल्टा चलना, तो ये जो ब्लड रिगर्जिटेट हुआ था वो वाला ब्लड भी नहीं ऊपर जो भर गया था, तो अब जो लंग्स से भेजा गया नॉर्मली वो वाला ब्लड प्लस जो फिर से भेज दिया गया था रिगर्जिटेट करके, दो ब्लड दोनों आपस में मिलेंगे, और जो ये ओवरलोड एट्रियम था ये पूरा ब्लड नीचे फिल कर देगा। अब वेंट्रिकल में उतना ब्लड होगा जितना नॉर्मली एट्रियम को भेजना चाहिए, उससे एडेड ज्यादा ब्लड होगा वेंट्रिकल के पास। तो मान लेते हैं कि वेंट्रिकल का चैम्बर बड़ा है और उतने से ब्लड से उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेंट्रिकल फिर पंप करेगा, 0.3 समय आएगा और यहां से पंप करेगा और ये ओपन ही रह जाएगा और फिर से ब्लड यहां चला जाएगा, फिर से ब्लड जाएगा और फिर से एट्रियम फिर से ओवरलोड होगा। और ऐसे होगा क्या कि एट्रियम के पास धीरे धीरे
वॉल्यूम ओवरलोड बढ़ता चला जाएगा और फिर होगा नीचे कि वेंट्रिकल के पास, क्योंकि एट्रियम ओवरलोड होगा तो वेंट्रिकल भी ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा, यहाँ भी फ्लूड भरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जितना निकाल देना चाहिए उतना निकलता नहीं है, जबकि जितना आना चाहिए उतना आ जाता है हर बार। अब इसमें आप 5 लीटर को रिलेट ना करें कि यहाँ 5 लीटर भर जाएगा, 10-15 5 ml भी बहुत होता है यहाँ के लिए एक्स्ट्रा। तो है क्या, यहाँ हर बार कुछ ना कुछ बढ़ता चला जाएगा और वेंट्रिकुलर ओवरलोड हो जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड जिसे कहा जाता है। और जब ओवरलोड होगा, जब ओवरलोड होगा तो यहां प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम ओवरलोड प्रेशर हो गए। समझ में आ रही बात, यहां प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ने के दो चीजें हैं, जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के पीछे भी दो कहानियां हैं। जैसे जो लैपलेसेस हैं, इन्होंने दो बातें कही, एक तो ये जो मसल्स हैं इनके बीच का ये एरिया, ये रेडियस, इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस, ये है रेडियस। दूसरा इन्होंने कहा ये हो गया रेडियस, फिर इन्होंने कहा कि अगर जितना ज्यादा, अच्छा एक बात और, ये तो हो गया ब्लड का प्रेशर की कहानी, इसको आप अलग कर दीजिए। अब आते हैं यहां, सोचो कि यहां पर अगर 120 ml ब्लड भर दिया जाए और इतना रेडियस है इसका, जैसे रेडियस इसका हम लोग मान लेते हैं लगभग 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का रेडियस ये है, नॉर्मली 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और यहाँ 120 ml ब्लड भरा गया और 120 ml ब्लड भरा गया तो 120 ml पे 5 सेंटीमीटर रेडियस हुआ। सोचो अगर इस रेडियस को हम लोग 10 सेंटीमीटर कर दे तो, दस सेंटीमीटर के रेडियस में अगर 120 ml ही ब्लड डाला जाए तो यहां का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीच में स्पेस ज्यादा हो गया। तो एक बात तो रेडियस ध्यान रखो, रेडियस का ये है कि रेडियस जितना ज्यादा अगर होता चला जाए बीच का रेडियस और वॉल्यूम वहां कम होना शुरू हो जाए तो प्रेशर फॉल होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर कहीं हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन है तो रेडियस हमेशा ज्यादा ही रहेगा तो ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है, फॉल होना शुरू हो जाता है, और जब हाइपरवॉल्यूमिक होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तो रेडियस अगर बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर फॉल होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही कि मैस्कुलर टेंशन, ये टेंशन, ये तो हो गया रेडियस। दूसरी बात इन्होंने कही कि मैस्कुलर टेंशन, मतलब मसल का तनाव, जो ये मसल्स के तनाव है, टेंशन है, ये टेंशन अगर कम हो जाए, टेंशन मतलब टेंस होना, ये जितना ज्यादा खिंच जाए, तनाव इनमें हो, खिंचने के बाद, बढ़ने के बाद इनका तनाव अगर कम हो गया, ये टेंस ना हो, ये बस इलास्टिसिटी ही इनकी गायब हो जाए तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। टेंशन कम नहीं होना चाहिए, टेंशन बढ़ा रहेगा तभी ये स्लैप करेंगे ज्यादा फास्ट। अब इनके टेंशन को अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि कितना नॉर्मल टेंशन होना चाहिए,
तो नॉर्मल टेंशन हम लोग ले लेते हैं 600 यूनिट, लगभग 600 यूनिट नॉर्मल टेंशन होता है, और 600 यूनिट नॉर्मल टेंशन होता है। अब क्या है कि जब दो चीजें रहती हैं कि 600 यूनिट नॉर्मल टेंशन होता है, टेंशन बराबर 600 यूनिट, और रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, तब ये 120 आता है, जो प्रेशर हम लोग मानते हैं 120 प्रेशर, 120 प्रेशर होता है। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देखो, वो सॉरी डिवाइड करके देखो, 120 आता है। ये नॉर्मल है, बहुत ज्यादा तुम लोग मैथमेटिक्स में मत जाना, बस मुझ पे बिलीव करो कि 600 यूनिट मैस्कुलर टेंशन होना चाहिए, और रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर नॉर्मली होना चाहिए। हमें समझना ये है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर इसी केस में आप रेडियस को 10 सेंटीमीटर कर दो और टेंशन 600 यूनिट ही रहे, तो कितना आएगा? हाफ हो जाएगा, 60 mmHg प्रेशर हो जाएगा। यही कुछ चीजें जाननी है कार्डिया के बारे में। ये जानना है कि टेंशन 600 यूनिट ये जरूरी है, और रेडियस भी जानना जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको आप खींच दो बाहर की तरफ और वहां से उतना फास्ट आएगा। अगर एक्सेस रेडियस हो गया, ज्यादा रेडियस हो जाएगा, ज्यादा अगर खींच दिया जाएगा, ज्यादा अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा, तो भी प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितना खींचा गया, नॉर्मली जब हम फिजियोलॉजी की बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बहुत बार ऐसा दिमाग में आता है कि कार्डियोसाइट्स को जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए, जब आपका कॉन्सेप्ट ये वाला कभी शुरू होता है कि कार्डियोसाइट के पास स्ट्रेचबिलिटी पावर होती है और वो इलास्टिक है, और वो सिस्टोलिक फेज में हम लोग डायस्टोलिक फेज में स्ट्रेच करते हैं और सिस्टोलिक फेज में इलास्टिक रिकॉइल होता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद का जब आप पैथोलॉजी में आते हैं तब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैपलसिस कौन है और स्टार्लिंग कौन है, इन दो लोगों के बारे में। और ज़्यादा डिटेल में अगर इनको पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ सकते हैं, बुक्स में हैं, गूगल पे जा सकते हैं स्टार्लिंग के लिए। तो इसको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ोगे, लास्ट में आपको जो मिलेगा ये मिलेगा कि टेंशन 600 यूनिट होना चाहिए। अगर टेंशन कम हो जाएगा, मान लो टेंशन 300 यूनिट हो जाए, और रेडियस 5 cm ही हो, रेडियस नॉर्मल हो, तो कितना आएगा? तो भी उतना ही आएगा, तब भी ब्लड प्रेशर कम हो गया। वही चीज अगर आप इन्वर्स कर दो कि अगर इस वो टेंशन 600 यूनिट हो और रेडियस बढ़ा दिया जाए, जरूरी क्या है कि टेंशन और रेडियस दोनों नॉर्मल कंडीशन में हो। कार्डियक का जो एरिया है, जो वेंट्रिकुलर एरिया है, उसका साइज ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए उसको, एक्सेस स्ट्रेचबिलिटी होगी तो जब रिकॉयल होगा तो उतना फास्ट रिकॉयल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो इनके मायोसाइट्स हैं, जो मसल्स हैं, जो जैसे ये मसल का ये पीस है, ये वेंट्रिकल,
और यहाँ से एक छोटा सा पीस हम लोगों ने काट लिया, यहाँ रख लिया, और इस पीस से एक छोट एक सेल आप निकाल लो बाहर, ये एक मायोसाइट है। अब है क्या कि अगर रेगुलर प्रेशर वेंट्रिकल को ज्यादा लगाना पड़े, वेंट्रिकल को रेगुलर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़े ब्लड को बाहर निकालने के लिए, रेगुलर प्रेशर कब लगाना पड़ेगा? ये तुम लोग बताओगे। ये वेंट्रिकल हो गया, ये एट्रियम है, ये ऑर्टा हो गया, ये ऑर्टा हो गया, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। अब 120 mmHg का प्रेशर इसको लगाना पड़ता है ब्लड को, 70 ml ब्लड को बाहर निकालने के लिए, तब बाहर आता है उसको हम लोग, और वही प्रेशर फिर बाहर मेजर होता है। ऐसा कौन सा कंडीशन आ सकता है कि इस 120 mmHg से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़े वेंट्रिकल को ब्लड को बाहर निकालने के लिए, वेंट्रिकुलर मसल को? अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया, सोचो कि जितना ब्लड यहां आता है इसमें से 40% ब्लड वापस चला जाया करे सिस्टोलिक फेज में, रिगर्जिटेशन में, मिट्रल रिगर्जिटेशन में। तो जब ये नॉर्मल 120 mmHg पर 70 ml ब्लड का अगर हम लोग 60% लें तो ये लगभग आएगा 40 ml। तो अगर ये 120 mmHg का प्रेशर लगाकर 40 ml